एटीएम में घटती वारदात को लेकर होम मिनिस्टर आर पाटिल ने कहा है कि एटीएम के भीतर और बाहर कैमरा लगा दिया जाए, और इसके साथ ही साथ यह भी कहा कि एटीएम में लगे ऐड को भी निकाला जाए ताकि अंदर और बाहर का साफ साफ दिखाई दे, क्योंकि इसी ऐड में दुर्घटनाएं घटती है। आइए देखते हैं इस बारे में जनता का क्या कहना है। महाराष्ट्र के एटीएम में भीतर और बाहर कैमरे लगा दिए जाए। जी हाँ, होम मिनिस्टर आर पाटिल ने कहा है कि सिर्फ सरकारी बैंक के एटीएमओ में नहीं बल्कि प्राइवेट बैंक के एटीएमओ में भी कैमरे लगा दिए जाए। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि सुनसान सड़कों पे एटीएम ना रखा जाए और एटीएम के दरवाजे पे जो भी ऐड लगे गए हैं उसे निकाल दिया जाए ताकि अंदर और बाहर का साफ साफ दिखाई दिया जा सके। आइए हम इस बारे में बताते हैं कि हमारी मुंबई की जनता की क्या राय है। एटीएम जितने भी मुंबई के अंदर हैं, प्राइवेट हो या सरकारी, जो भी दरवाजे के बाहर ऐड लगा हुआ है उसको साफ कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए, कि जो भी आदमी एटीएम के अंदर जाता है वो दूसरे आदमी को बाहर से क्लियर दिखाई दे कि हाँ भाई वो पैसा निकाल रहा है, नहीं ये नहीं कि वो अंदर जाके क्या कर रहा है एटीएम मशीन पे, सामने वाले को कुछ दिखता नहीं, तो ऐसा होना चाहिए। और आदमी जो भी सुनसान सड़क पे है एटीएम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे अगर सिक्योरिटी भी बिठाते हैं तो कोई फायदा नहीं है। एक आदमी एक सिक्योरिटी रह के क्या कर सकता है अगर चार आदमी आ जाए उसको अटैक करने के लिए। तो यहाँ पे एक्चुअली एटीएम लगना चाहिए, एटीएम पे कैमरा लगना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अनऑथराइज काम भी होते रहते हैं, क्योंकि बहुत सारी भीड़ है भैया यहाँ, इसके लिए रहना बहुत ज़रूरी है। आपका क्या मानना है अगर कैमरा नहीं लगा रहेगा सिर्फ सिक्योरिटी का आपकी सुरक्षा कर सकता है? सिक्योरिटी कितना सुरक्षा कर सकता है? अगर एक जगह पे अगर 10 लोग आ जाएंगे रात को नाइट 2 बजे तो क्या कर सकता हो? 2 आन देंगे वो भागेगा, सीधा से भागेगा, और जो भी यहाँ पे अथॉराइज्ड काम कर रहे हैं या एटीएम कुछ भी कर सकते हैं। तो आपका मानना ये है कि यहाँ पे कैमरा लगना कंपलसरी होना चाहिए। और कैमरा लगने से क्या फ़ायदा मिलेगा लोगों को? कैमरा लगने से सिक्योरिटी बढ़ जाएगी उनका, तो न तो चोरी होगा और न ही एटीएम का तोड़ फोड़ होगा। एक्चुअली ये जो एटीएम वगैरह है उसके बाहर कैमरा तो लगने ही चाहिए, और जो हम लोग जो बोलते हैं सिक्योरिटी वगैरह जो यहाँ पे बढ़ानी चाहिए वो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से तो डबल होनी चाहिए सिक्योरिटी अपने हिसाब से, क्योंकि अगर पुलिस भी यहाँ पे अगर आप रखना चाहे तो वो भी रख सकते हैं, क्योंकि आम आदमियों को बहुत ही तकलीफ होती है, क्योंकि अगर आपने देखा वो मैनेजर जो के साथ जो हादसा हुआ अभी जो आप सब जगह यूट्यूब पे वगैरह देख रहे होंगे वो वीडियो, तो जो बैंक के मैनेजर को भी सेफ्टी नहीं मिल सकती, तो हम लोग तो बहुत ही आम आदमी हैं हम लोग, तो हम लोग जैसे ने बाहर निकलना ही नहीं चाहिए क्या? इस हिसाब से मतलब बैंकों ने भी या फिर गवर्नमेंट ने भी ये सिक्योरिटी लेनी ही चाहिए कि यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड होना चाहिए, साथ में पुलिस यहाँ पे होनी चाहिए, या फिर अलार्म सिस्टम कुछ तो होनी चाहिए कि ताकि अंदर कुछ बटन सिस्टम दिया जाए कि यहाँ पे जैसे हम लोग गाड़ी का वगैरह लॉक खोलते हैं तो वहाँ पे अलार्म बजता है, तो अंदर कुछ अलार्म सिस्टम होनी चाहिए जो एटलीस्ट अंदर के अंदर वो दबाए तो बाहर के 10 लोगों को मालूम तो पड़े एटलीस्ट कि अंदर कुछ तो हो रहा है। तो जैसे उसने शटर बंद किया था अंदर कुछ किसी को पता नहीं चल रहा था कि क्या चल रहा है, तो उस हिसाब से वहाँ पे अंदर कुछ अलार्म सिस्टम होनी चाहिए कि जिससे 10 लोग जो बाहर घूम रहे उसमें से 10 में से एक तो कोई बहादुर होगा ही जो आगे आके किसी की भी जान जो खतरे में होगी उसको बचाने की कोशिश करेगा, तो इस हिसाब से सिक्योरिटी और भी पावरफुल होनी चाहिए, यही मेरा कहना है इस बारे में। और जो एटीएम के दरवाजे पे जो ऐड लगाए जाते हैं उस बारे में आपका क्या कहना है कि जिस वजह से अंदर का बाहर दिख नहीं पाता? हाँ, वो भी ट्रांसपेरेंट, जैसे हम लोग ने देखा अभी 4-व्हीलर के लिए रूल है कि ब्लैक ग्लासेस नहीं होने चाहिए, तो उसी हिसाब से एटीएम के लिए भी नहीं होना चाहिए। और हम लोग जो बोलते हैं सिक्योरिटी, पासवर्ड सिक्योरिटी के लिए हम लोग सब पूरा एटीएम ब्लॉक करके रखते हैं कि उससे कुछ नहीं होता, पासवर्ड सिस्टम इज अ वेरी मतलब ये आजकल पासवर्ड हैक करना तो बहुत मामूली चीज़ हो गई, तो ओपन जितना हम लोग एटीएम्स रखेंगे तो उतना लोगों को सिक्योरिटी के लिए भी अच्छा होगा। और मोस्ट ऑफ तो बैंकों ने ऐसा करना चाहिए कि ऑलमोस्ट जो जहाँ पे रेसिडेंस एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पब्लिक्स आना जाना है उस जगह पे मोस्ट ऑफ एटीएम्स को इन्होंने दुकान वगैरह में एटीएम्स को बढ़ावा देना चाहिए, तो मतलब जितना ज़्यादा क्लोज नहीं करे उतना अच्छा रहेगा, जितना ओपन रखे उतना अच्छा, मतलब लोगों की सिक्योरिटी के लिए भी वो अच्छा रहेगा। आपने देखा ये थी लोगों की राय, वो चाहते हैं कि एटीएम के भीतर और बाहर कैमरा लगाया जाए, उन्हें पूरी पूरी सुरक्षा मिली जाए। ये थी अयूब शेख की रिपोर्ट, कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ तेलुगु 24 न्यूज़ मुंबई।